वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपकी एक और नई क्लास शुरू हो चुकी है। अभी तक आपकी ट्रिकी मैथ नहीं हो पाती थी, उसकी कुछ समस्याएं थी, उसको जाने दीजिए। एग्ज़ाम में आपसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पर, तो हल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन परीक्षा के लिए जो है वो मैथ के क्वेश्चन करने में टाइम कम पड़ जाता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को चलाएंगे, और जिससे कि आप लोग इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एसएससी एमटीएस है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी है, पुलिस का एग्ज़ाम है, या फिर जेई का परीक्षा है, कोई भी एग्ज़ाम है। चलिए देखते हैं। एक लड़का है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर अपनी साइकिल से जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, उसके बाद ये सोचना करना क्या है। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है, कितनी दूरी गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला तो 10 किलोमीटर गया। ठीक, आगे पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मतलब कि दोबारा वो क्या कर रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 12 किलोमीटर तक जाता है। अब कह रहा कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। आपको हमने बहुत पहले बताया है, सिंपल वाला फार्मूला, इसमें कुछ नहीं करना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय है ना, इसको तो आप जानते हैं क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो इसको मान रख दीजिए बस। अब आप कुल दूरी बटा कुल समय, ज़रा ध्यान से देखना, कुल दूरी कितना है? देखो 10 किलोमीटर और फिर ये कितना था, 12 किलोमीटर। इस तरह से आपके पास कुल दूरी कितना आ जाएगी, 22 किलोमीटर हो जाएगी ना। तो इसे अब आप कह सकते हो 22 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, और कुल समय कितना हो जाएगा, नीचे देखना। पहले वो कितना समय में जाता था, समय तो हमें मालूम ही नहीं है ना, लेकिन हमें मालूम है क्या, चाल मालूम है और दूरी मालूम है। तो पहले हम समय निकाल लेंगे, पहले के लिए समय निकाल लेंगे भाई। जब वो 12 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर गया, तो कितने टाइम में गया था, इसका टाइम हमें मालूम है, नहीं मालूम है ना। हमें इसका भी समय नहीं मालूम है कि जब दोबारा वो 12 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तब भी कितना समय लगा, ये नहीं मालूम है। तो हम इन दोनों का प्रयोग करके सबका समय निकालेंगे। तो पहले के लिए समय निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप T1 लिख लीजिए। समय बराबर सूत्र क्या होता है जानते हो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड इक्वल होता है D/T, चाल बराबर दूरी बटा समय, यह होता है ना। यहाँ से जब आप समय बराबर निकालते हो तो क्या हो जाता है, टी इक्वल हो जाता है D/S, यानी कि दूरी बटा क्या हो जाता है, चाल। तो भाई दूरी कितना थी पहले के लिए, 10 किलोमीटर थी, चाल कितना थी, 12। ये पहले का मान हो गया, इसे आप काट लोगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। T2 दूसरे टाइम जब वो चला तो कितना समय लगा था, क्योंकि यहाँ हमें कुल समय लिखना है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना लगा ये तो नहीं मालूम, दूरी कितना है दूसरे में 12 किलोमीटर, चाल कितना है 10, इसको हल करोगे तो 6/5 आ जाएगा। अब आपको 6/5 और 5/6 को जोड़ना है। जिन लोगों को भिन्नों का जोड़ नहीं आता उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो जाएगा इसमें का, तो इसको जोड़ लो। चलो जोड़ लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, इसको हम जोड़ करके तब वहाँ रखेंगे, ठीक ना। तो कुल दूरी में कुल समय जोड़ेंगे, इधर देखना ध्यान से, ये सब आपको परीक्षा में करके दिखाना नहीं, आपको खुद कैलकुलेशन कर लेना है। 5/6 में 6/5 आपको जोड़ना है, LCM निकाल लोगे तो 30 आ जाएगा, क्या आएगा, 30 आएगा। जब आप 6 से भाग करोगे तो 5 आएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, प्लस 5 से भाग करोगे जब 30 में 6 आएगा, 6 का इसमें करोगे 36 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 6×5 = 11, 3×2 = 5 = 61, 61/30 आ जाएगा। कितना आएगा, ये हो जाएगा 61/30, यानी इसके नीचे आप एक छिपा दो क्योंकि ये भिन्न के रूप में नहीं था, तो 61/30 हो गया। इस तरह से आप इसे जब फाइनल में हल करोगे आगे जा करके, तो ये आपका हो जाएगा 22×30/61, है ना, 22×30/61। हमने आपको पिछली क्लास में इसका ट्रिक बताया था हल करने का,
आप इसको गुणा करके भाग दोगे तो 10.8 के लगभग समथिंग में आएगा। आप इसको लिख लीजिए 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो क्या आएगी, उसकी औसत स्पीड आएगी। अगर कोई आपको करेक्शन करना है तो बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब टाइम बचाने की पूरी गारंटी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कम से कम समय में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा को रेल द्वारा यानी कि ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मतलब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है, फिर क्या करता है, 800 किलोमीटर की दूरी को यानी कि यात्रा को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जहाज से जाता है। भाई जहाज़ की चाल ज़्यादा होगी ही, उसके आगे 100 किलोमीटर की दूरी यानी कि 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब कार जहाज़ के बराबर तो चलेगी नहीं, तो कह रहा है कि टोटल औसत चाल क्या होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल में जो कहा वही लिख लेना है। देखो भाई, इसमें कह रहा कि 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो 80 की स्पीड से जाता है, तो इसको यहाँ पर लिख लो 80 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद आगे क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद आगे देखिए, इसी में कह रहा है कि 800 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, 800 किलोमीटर की दूरी को जहाज़ से जाता है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इतना ही नहीं, वो 100 किलोमीटर की दूरी को भी चलता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ये टोटल दिया गया है। कह रहा औसत बताओ, आपको पता है कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पर लिख लो औसत चाल बराबर यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देना, क्या होगा, 600 में 800 जोड़ लो, 800 में इसको 100 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 1500। चाहे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 800 धन 600 धन 100 नीचे कुल समय। कुल समय कहाँ से आएगा, देखो ये दिया है चाल और ये दिया है क्या, दूरी दिया है ना, मतलब ये दूरी दिया है चाल दिया है, इस यहाँ से हम क्या करेंगे समय निकाल लेंगे। तो आप जानते हो क्या होता है समय बराबर क्या होता है, आपको ये तो मालूम होगा, जिसको कुछ नहीं आता वो ध्यान से देखे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है ना, तो समय बराबर जब आप निकालोगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है यहाँ पर, 600 है, पहले के लिए 600 है ना, चाल 80 थी, एक से एक जीरो कट गया, दो से काटोगे तो क्या आएगा, दो से नहीं इसको चार से काटो, चार से काटोगे 15/2 आया, कितना आया 15/2, ये पहली चाल हो जाएगी। यहाँ तीन चाल आएगी ना, तीन चाल आएगी क्योंकि वो तीन दूरी तय कर रहा है, पहले तो वो जब सॉरी समय आएगा, चाल नहीं समय, ये समय है 15/2 घंटे, ठीक ना, यानी कि 600 किलोमीटर गया था 80 की स्पीड में तो 15/2 घंटे लगा था, फिर जब वो 800 किलोमीटर गया 400 की स्पीड में तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ आप इसे T1 लिख सकते हो, फिलहाल अपना समझने के लिए T1 हो गया, T2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 800/400 कट जाएगा 2 आएगा, और जब T3 निकालोगे तो ये हो गया 100 है ना, क्या है 100/50 जब करोगे तो ये 2 आएगा, यानी कि ये टोटल टाइम है आपके 15/2 2 2। इसको लिख लो फटाफट ला करके जोड़ लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा नेक्स्ट यानी कि छठवां, सभी को करके जोड़ लेना है। तो ये लो हो गया 15/2 2 2। हल कैसे करोगे, देखिए जिनको फ्रैक्शन नहीं आता उनको दिक्कत हो सकती है, मैं इसमें विस्तृत बताता हूँ इसलिए टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो एग्जाम में कतई नहीं छूटने वाला है। इसके नीचे मन लिख लो, इसके नीचे मन लिख लो, बस हल कर लेना है फटाफट, करना क्या है इसमें, इसका नीचे एलसीएम निकाल लो, कैलकुलेशन यहीं पर कर देते हैं। ये देखो आपका हो जाएगा टोटल 1500, इसका सबका एलसीएम करोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा है ना, और 2 करने के बाद क्या करोगे, जब इसको 2 से 2 में भाग करोगे तो 15 आएगा, और फिर जब 1 से भाग करोगे 2 में तो 2 आएगा, और उस तरह से ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये टोटल आपका हो जाएगा 2,
इस तरह से जोड़ोगे तो हो जाएगा 23, ये मिलेगा आपका 1500 बटा 23 बटा 2। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। इसको आगे हल करोगे तो ये क्या होगा, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 23 बटा 2 एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बट 1500 अकेला था। तो आप क्या करोगे, 1500 छोड़ करके और इसको क्या करोगे, पलट दोगे, यही तो होगा ना। तो इस तरह से आपका ये, मैं इधर हल कर देता हूँ, ज़रा ध्यान देना साइड में, ये इसका काम ख़त्म हो गया है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 गुणे 2 बटा हो जाएगा 23। इस तरह से आपका ये आ जाएगा फाइनल में 3000 बटा 23। इसे जब आप भाग करोगे तो 130 सही 10 बटा 23 आएगा। भाग करके देख लेना, ना आएगा तो बताना, बाकी तो आप लोग समझदार हो, कंपटीशन की मैथ है ये, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। उसके लिए आप जीरो लेवल ज्वाइन कर लो अगर नहीं आता कैलकुलेशन फास्ट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन एक एक पॉइंट नहीं बताएंगे कैसे हो गया, वो तो वहाँ पर फिर भी हमने बहुत बता दिया, समझ गए ना। तो ये कंपटीशन की मैथ है बाबू, ठीक है ना, ये जीरो लेवल नहीं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि यदि एक व्यक्ति या एक लड़का ए से बी तक एक समान गति से जाता है, ठीक है, कहाँ तक जाता है, ए से बी तक जो है वो जाता है, और कितनी की स्पीड में जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तथा वापस लौटता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। ऐसी स्थिति में हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि औसत चाल बराबर होगी उसकी, अगर इस तरह से दिया है कि वो जा रहा है और फिर वापस भी आता है, वही बंदा आता है वही जगह से वापस आता है, तो 2xy/x+y, यहाँ पर 2x का मान 12 और y का मान 4, इस तरह से 12 × 4 इसको हल करोगे जो फाइनल में, तो आप देखोगे ये मिल जाएगा आपको 2 × 12 × 4 नीचे हो जाएगा 16। 16 को आप काट सकते हो 4 से, तो 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 से काट दो 4 × 3 = 12, बराबर आपको मिल जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, कितना आसान और मज़ेदार भी है। अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, ध्यान देना, आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनको हम हल नहीं करेंगे, आप इन्हें खुद करके लेके आएंगे। 3 क्वेश्चन हमने बताया, 2 आप करके लेके आएंगे, 15 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एग्जाम में इन 5 क्वेश्चन को आपको 2-3 मिनट में कर लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा तो आप कर ले जाओगे। पंकज ने एक यात्रा का 1/3 भाग, 1/3 मतलब 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या किया, तय किया। तो इस पूरी यात्रा के दौरान पंकज की औसत चाल क्या थी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगला सवाल है आपके सामने, संजू ने 1000 किलोमीटर की दूरी को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 300 किलोमीटर की दूरी को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा 1200 किलोमीटर की दूरी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो संजू की औसत चाल बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो दोस्तों, ये ट्रिकी क्लास आपकी और बड़ी भी होगी, टेंशन मत लीजिएगा, हमारी वही कोशिश है पूरा आपकी बार जीरो लेवल के बाद अगला फोकस ट्रिकी मैथ पर ही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं जो कि NTPC में SSC में काफ़ी नाराज हैं, हमें पता है, तो उनको टेंशन नहीं लेना, उनकी क्लास जरूर चलेगी, रेगुलर चलेगी, अब रेगुलर चलेगी, हर दिन चलेगी। आपकी TET की क्लास भी हो रही है, जो कि अभी हो सकता है आपको चैनल पर पब्लिश ना हो रहा हो, मतलब सभी के लिए, लेकिन अब सभी के लिए पब्लिश भी होने लगेगा। जिन लोगों ने TET ज्वाइन किया हो तो ऑलरेडी देख रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर लें, TET की मैथ बहुत तेज़ी के साथ चल रही है इस समय पर। तो ये होमवर्क करके आइएगा, जिन लोगों को डेली क्लास देखना है, रेगुलर देखना है, वो इस नंबर पर ज्वाइन ट्रिकी मैथ लिख करके भेजेंगे और अवश्य ज्वाइन करें, डेली देखें, कंप्लीट कोर्स अपने घर बैठे पाएँ पूरी सुविधा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर अभी तक आपने PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें,
अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी के पेज को अवश्य लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दी गई है, आप इनके सहायक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको टाइम का शेड्यूल मिलेगा, कौन सी क्लास कब होती है। कोई भी क्लास शुरू होने में 2-4 मिनट अधिकतम 10 मिनट की देरी हो सकती है, लेकिन क्लास शुरू ज़रूर होती है। तो मित्रों एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, हम फिर से आएंगे आपके सामने एक नई उम्मीद के साथ, एक नई क्लास लेकर के। विश्वास बनाए रखिएगा। थैंक यू।